चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस क्लास टेंथ का वर्ड्स प्रॉब्लम में स्पीड टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप ये सब क्वेश्चंस पहले खुद से कीजिए, क्योंकि थ्योरी तो हम एक हिसाब से समझा चुके हैं, तो आफ्टर थ्योरी समझाने के बाद आप क्वेश्चन खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। करेंगे एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 1 आवर कम ले रहा है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब एक मैसूर है तुम्हारे पास ये मान लो, और एक है बेंगलोर, तो मैसूर से बेंगलोर जाने में जो पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें क्या रिलेशन है कि वो 1 आवर कम ले रहा है। तो एक काम करते हैं, पैसेंजर ट्रेन के लिए यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन के लिए ट्रेन, ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन That of the passenger train. Find the average speed of the two train. एक वर्ड इसमें दिया है, जब भी हम बोलते हैं कि अगर कंपेयर कर किया हुआ चीज़ दिया हो तो सबसे पहले जो जिससे कंपेयर किया जाता है उसके ही स्पीड को मान लिया जाता है। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, देन मतलब कंपेयर किया जा रहा है किससे भाई, दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो मान लो कि लेट इस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा जी, एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 11 मीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ये तो दोनों ट्रेन का हो गया भैया स्पीड मान लिए, डिस्टेंस इस केस में भी 132 किलोमीटर ही रहेगा, और इस केस में भी जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो 132 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, मान लो T1 है, ये पैसेंजर ट्रेन का बॉक्स बनाया है, तो मान लो टाइम बराबर इसका जो टाइम है T1 है, और इसका टाइम मान लो टाइम बराबर T2। अब T1 T2 को बराबर लिख दो, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। फिर यानी कि ये आपको पहला उतारना है, ये पहला, दूसरा मान लीजिए, तीसरा यहाँ पे, और चौथा वहाँ पे जाइएगा। चलिए तो अब जो है आपका T1 बराबर T2 लिख दीजिए, T1 बराबर T2 लिख के सोचिए कि क्या गड़बड़ कर दिए, एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा समय लेगा पहुँचने में कि पैसेंजर ट्रेन, बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंचेगा, तो एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा टाइम लिया गया जो है T2 है और पैसेंजर द्वारा T1 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है T2 वो 1 आवर कम ले रहा है। निश्चित रूप से T2 जल्दी पहुंच रहा होगा एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये समय कम ले रहा होगा, कितना आवर कम ले रहा होगा, प्लस 1, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, ताकि T1 जो 1 आवर ज़्यादा ले रहा है उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब T1 का वैल्यू यहाँ से लिखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 132/x, यहाँ से T2 का वैल्यू क्या लिखिएगा, यहाँ से T2 का वैल्यू होगा 132 अपॉन x प्लस 11, अब वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो T1 का वैल्यू है 132 अपॉन x इज इक्वल टू
132 अपॉन एक्स प्लस 11 प्लस 1 बाई 1। आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लेते हैं। अब लाइन कट चुका है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई नहीं, आप समझ सकते हो जो हम समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 132 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ का एक्स प्लस 11, यहाँ पे हो जाएगा 132 प्लस इसका गुना इसमें होगा तो x प्लस 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 132x प्लस 132 गुने 11 इज इक्वल टू 132 और 11 जोड़िए 142 होगा और 143 हो जाएगा, ठीक है। तो 143x इस x का गुना होगा और प्लस x का स्क्वायर। अब सबको इधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर के तरफ भेज रहे हैं 132x को और ये 143x है, तो 143 में से 132 घटे तो कितना बचेगा, प्लस में 11, क्योंकि 2 और 1 3 और 3 1 4 बिल्कुल 11x और माइनस 132 गुने 11 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, अब फैक्टराइज कर लीजिए। चलिए हम कर देते हैं, 11 गुना 132 जो है वो भी 11 से काटिएगा तो कटेगा, 11 का पहाड़ा कितना बार पड़ी है, 11 कम 11 और कितना बचे यहाँ 12 13 2 2 11 दुना के 22, ठीक है ये बचा। तो अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 ये लिख सकते हैं। अब देखिए 11 बीच में लाना है आपको, तो क्या ले लीजिए आप, क्या क्या लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, 2 × 4 = 12 नहीं आप ये ले लीजिए 2 × 4 और 11 चौके 44 ले लीजिए और 11 × 3 = 33 ले लीजिए, ठीक है। तो बीच में आप एक्स स्क्वायर प्लस 44x लिखिए और माइनस 33x लिखिए, माइनस 132 गुने 11 बराबर 0। इसमें कॉमन x लीजिए तो x प्लस 44 होगा, माइनस 33 कॉमन लीजिए x बचेगा, माइनस कॉमन लेने से प्लस बनेगा, 11 में 3 11 × 33 3 बचा हुआ है ना, या फिर आप डिवाइड करिए ना, डिवाइड करिए किसको, 132 को, 132 को डिवाइड करिए किस चीज से, 33 से, 11 गुना 132 को, तो ये 3 हुआ और ये 3 से काटिए, 3 चौके 12 तो ये 44 बचा इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे होंगे कि एक फैक्टर x प्लस 44 आएगा और एक अगला फैक्टर x माइनस 33 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x बराबर जो माइनस 44 आएगा वो नॉट पॉसिबल लिखेंगे और रीजन लिख देंगे कि स्पीड विल नॉट बी निगेटिव, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आ जाएगा, क्योंकि आप जो x माने हुए हो वो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन माने हुए हो। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू कितना आया हुआ है, 35 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू वो कितना था, 11 आवर ज़्यादा था तो 33 में 11 जोड़ दीजिए, 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो हुआ तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।